देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन, नोबेल पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में क्या है कि भाई ये अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है, ठीक है ना। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जो बेसिक सी चीज़ें, जैसे कि जो अल्फ्रेड नोबेल है, अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म है, जन्म हुआ था 1833 में, इनका जन्म हुआ था 1833 में। कहाँ पर हुआ था? स्कॉटहोम में, स्कॉटहोम में हुआ था इनका जन्म, ठीक है ना। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 10 दिसंबर 1896, ठीक है ना। तो 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार के जो विजेता होते हैं उनके अनाउंसमेंट है वो 10 दिसंबर को होती है, ठीक है ना। तो देखो ये किन किस क्षेत्र में ये दिया जाता है, तो 6 क्षेत्र ऐसे जिसके अंदर ये अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे पहला है शांति का, ठीक है ना, शांति के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है ना। फिर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। तो 1901 से ये स्टार्ट हुआ था देना, ठीक है ना। ये जो अवार्ड है ये 1901 से स्टार्ट हुए थे, और लेकिन अर्थशास्त्र का जो है ये 1969 से स्टार्ट हुआ था देना, ठीक है ना। इस फील्ड में 1969 से अवार्ड देने स्टार्ट हुए थे। बाकी 1901 से शांति का, साहित्य का, भौतिकी का, चिकित्सा का, ये 1901 से मिलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये बेसिक्स। और एक और चीज़ के ये जो अल्फ्रेड नोबल है ये डायनामाइट का आविष्कारक है, डायनामाइट के आविष्कारक हैं, और ये खुद जो है ये रसायन शास्त्र के ज्ञाता है, ठीक है ना। ये बेसिक सी चीज है जो इस अवार्ड के बारे में। देखो शांति के क्षेत्र में जो 2020 का अवार्ड है ये मिला था WFP को, WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्रोग्राम, ठीक है ना। और अगर हिंदी में लिखे तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है ना। 2020 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो इनको दिया गया था, और 2021 का जो दिया गया था, 2021 का जो दिया गया था वो दिया गया था मारिया मारिया रेसा, और दूसरी लेडी है दमित्री दमित्री मुरातोव को, ठीक है ना। तो ये शांति के क्षेत्र में, ठीक है ना, 2020 का अवार्ड मिला था WFP को, और 2021 का मिला था एक तो मारिया रेसे, दूसरा है दमित्री मुरातोव को, ठीक है ना। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 2020 का जो मिला था वो मिला था लुइस गल को, क्या नाम है, लुइस लुइस गल को मिला था, ठीक है ना। 2021 का जो मिला था ये मिला था अब्दुल रजाक गुरना को, अब्दुल रजाक गुरना को, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है ना। ये शायद CBT 2 के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये नाम ध्यान रखना, अब्दुल रजाक गुरना को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 2021 के अंदर। यह है भौतिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड नोबेल पुरस्कार 2020 का किनको मिला था। देखो इसकी जो ये नाम होते हैं ना बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट याद करो, आप है ना उसका लगभग अराउंड में याद कर लो, बहुत याद हो जाएगा। जैसे देखो आप याद करो रोज़ रोज़, ठीक है ना, रोज़ 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 रेंजेल, ठीक है ना, एंट्रिया, बस बहुत है। ये इसके अराउंड अराउंड में याद करोगे ना तो वैसे भी जो आएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप तो पता चल जाएगा कौन सा है, ठीक है ना। अब इसको अगर पूरा करते हैं तो क्या होता है, रोजन पेन रोज, ठीक है ना, रेन हार्ड, ये है रेन हार्ड गेंजेल, रेन हार्ड गेंजेल रेंजेल, ठीक है ना। ये है एल्ट्रिया एंड्रिया गेज, ठीक है ना, ये नाम इसका। अब देखो 2021 का जो है ना वो कैसे याद करेंगे आप, देखो एक तो है मनाबे, मनाबे हेसलमैन,
मनाबे, हेसलमैन और पेरिसिक, ठीक है ना। बस ये इतना से याद कर लो, बहुत है। अगर पूरा आप याद करना चाहते हो तो इसका नाम है स्यूकुरो, स्यूकुरो मनाबे, ठीक है ना। हेसलमैन का है क्लॉस, हेसलमैन का है क्लॉस हेसलमैन, ठीक है ना। और इसका है जॉर्जियो, जॉर्जियो पेरिसिक, ठीक है ना। तो ये 2020 और 2021 के जो भौतिकी के क्षेत्र में मिलने वाले जो अवार्ड है वो ये है, ठीक है ना। स्यूकुरो मनाबे, क्लॉस मैन, क्लॉस हेसलमैन और जॉर्जियो पेरिसिक, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट है रसायन के क्षेत्र में 2020 का कैसे याद करोगे आप। देखो 2020 का याद करना है तो आप ऐसे याद करो कि डायना की कार, डायना की कार, ठीक है ना। तो देखो डायना से तो जाएगा जेनिफर डायना, जेनिफर डायना, ठीक है ना। और कार से होगा कारपेंटियर, कारपेंटियर, ठीक है ना। इसका पूरा नाम है इमैनुअल, इमैनुअल, इमैनुअल कारपेंटियर इसका नाम है, इमैनुअल कारपेंटियर है। तो ये दो, एक तो ये याद कर लो आप, डायना की कार याद हो जाएगा, जेनिफर डायना और कारपेंटर इमैनुअल। लिस्ट मिलना, ठीक है ना, ये याद कर लो आप, लिस्ट मिलना। तो लिस्ट से तो क्या बेंजामिन, बेंजामिन लिस्ट और इसका है मैकमिलन, मैकमिलन, पूरा नाम है डेविड, डेविड मैकमिलन है, ठीक है ना। तो ये रसायन के क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट अवार्ड, डायना की कार याद कर लो, दूसरा लिस्ट मिलना। देखो नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में जो अवार्ड मिला 2020 को, देखो इसको कैसे याद करोगे आप। एक तो है माइकल, माइकल, फिर है हार्वे, चलो चार्ल्स ही थे, चार्ल्स और हार्वे, ठीक है ना। ये तीन लोग हैं, माइकल, चार्ल्स और हार्वे। ये माइकल है, इसका पूरा नाम है हाउटन, हाउटन सेन। चार्ल्स का है राइस और हार्वे का है, हार्वे का है अल्टर, ठीक है ना। ये 2020 के हैं, 2021 का है एक तो है डेविड, डेविड जूलियस और दूसरा है अर्देम पटा पाऊ टीएन, ठीक है ना। डेविड जूलियस और अर्देम पटा पाऊ टीएन, ठीक है ना। ये है चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला वो। अब लास्ट बचा है वो है अर्थशास्त्र का। देखो नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का अवार्ड किसे मिला था। एक तो है पॉल मिलग्राम और दूसरा रॉबर्ट, रॉबर्ट, रॉबर्ट विल्सन को, ठीक है ना। तो जाए किसका कैसे याद करोगे। देखो एक तो है डेबिट कार्ड, ठीक है ना, डेबिट कार्ड। दूसरा है जोसुओ, जोसुओ एंगिस्ट, ठीक है ना। और तीसरा है गुइडो, ठीक है ना। ये तीन आदमी हैं जिनको अर्थशास्त्र में मिला है नोबल, ठीक है ना। तो ये नोबल पुरस्कार है कते कते पूरे होते हैं टोटल अपने नोबल पुरस्कार में, छः क्षेत्रों, छः फील्ड में जो जो मिलते हैं नोबल पुरस्कार 2020 का और 21 का, पता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज इतना बहुत है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।